हाय स्टूडेंट्स, अब बात करने वाले हैं ज्योमेट्री में सर्कल्स के पार्ट टू की। प्रॉपर्टीज जो हमने स्टार्ट की थी उसमें फिर सेकेंड लेक्चर है ये, और अब देखते हैं जरा कि फिर कौन सी प्रॉपर्टी हमारे सामने है। देखिए जरा पहले इस फिगर को और उसके बाद इस फिगर को। पहले फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है? पहले फिगर में आपको नजर आ रहा है कि एक कॉर्ड है ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी। ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसमें? पॉइंट पी में। तो फिर हम ये जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं ये कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। पहले केस में यहां पे क्या हो रहा है? इंटरनल इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरनल से मेरा मतलब क्या है? इंटरनल से मेरा मतलब है जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर है। ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पी में, और यहां पे ये पॉइंट पी इंटरनल है, सर्कल के अंदर है। और जरा अपने राइट हैंड साइड पे देखिए, यहां पे आपको नजर आएगा कि ये जो ए बी और सी डी है इनका इंटरसेक्शन बाहर हो रहा है, सर्कल के बाहर हो रहा है, पॉइंट पी यहां बाहर है, तो ये एक्सटर्नल इंटरसेक्शन की बात है। तो हम कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन को देख रहे हैं कि दो तरह का हो सकता है। ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स एक दूसरे को एक्सटर्नली भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं और सर्कल के अंदर भी इंटरनली भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जब ये कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर आपको ये पॉइंट, ये रूल याद रखना होगा, कौन सा? पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए, मैं क्या कह रहा हूं? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। चाहे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, इन कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। रिलेशनशिप कह रहा है पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई कीजिए, वो किसके इक्वल होगा? पी सी और पी डी को मल्टीप्लाई करने के इक्वल होगा। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन किससे रिलेटेड आता है? एक्सटर्नल इंटरसेक्शन से रिलेटेड आता है। तो चलिए एक्सटर्नल इंटरसेक्शन की ही बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पी यहां पे सर्कल के बाहर है और आपको दिया हुआ है कि ये जो पी सी है, ये जो पी सी है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ है कितनी? 4 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, PC की लेंथ 6 है, CD की लेंथ कितनी है? 4 है। आपको दिया हुआ है PA की लेंथ कितनी है? PA की लेंथ 3 है। हमें बतानी है किसकी लेंथ? हमें बतानी है AB की लेंथ। ये AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन मार्क का हमें आंसर चाहिए। तो देखते हैं, अपना रिलेशनशिप यूज करते हैं, इसी रिलेशनशिप से आंसर आएगा PA इंटू PB। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी। क्या दिखाया है मैंने आपको? मैंने दिखाया है कि छोटे पार्ट का पूरे पार्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन, बाहर वाले पार्ट का पी ए का पूरे पार्ट पी बी के साथ मल्टीप्लीकेशन, और बाहर वाले पार्ट पी सी का पूरे पार्ट पी डी के साथ मल्टीप्लीकेशन। ये एक दूसरे के इक्वल होता है। तो फिर हमारे पास पी ए कितना है? हमारे पास पी ए है 3, और पी बी जो है वो हमें पता करना है। पी बी हमारे पास इस इक्वेशन से आ जाएगा। पी सी हमारे पास कितना दिया हुआ है? देखिए, पी सी हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स 6, और पी डी, पी डी कैसे निकालेंगे? पी डी कैसे आएगा? पी सी प्लस सी डी। ये पूरा पी डी है ना, ये पूरा लंबा पी डी है 6 प्लस 4, तो पी डी कितना हुआ? 10 हुआ। तो पी डी की वैल्यू मैंने डाली 10, तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो पी बी क्या आ जाता है? देखिए, पी बी इज इक्वल टू 60/3। तो पी बी आ गया हमारे पास कितना? पी बी आ गया हमारे पास 20। हमने सॉल्व किया, पी बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20। तो ये पूरा लंबा पी बी है जिसकी वैल्यू मेरे पास 20 आई है, उसमें से मैंने पी ए को माइनस कर दिया, बाहर वाले पोर्शन को माइनस कर दिया, तो फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना था? ए बी।
एबी क्या आ गया, एबी आ गया 17। देखिए 17 है एबी और 3 है पीए, तो टोटल पीबी कितना हो गया, 20 हो गया, जो हमने फाइंड आउट किया था। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, हमें आंसर है 17। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था एबी। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये हमारा जो सेकेंड पार्ट है प्रॉपर्टीज का वो कंक्लूड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।